का मॉन्स्टर वर्स मॉन्स्टर का बैटल एमसीयू और मॉन्स्टर वर्स के जायंट के बीच होने वाला है। तो एक तरफ है कॉन्ग जिसके पास बैटल करने के लिए एक्स है, वहीं दूसरी तरफ है शटर जिसके पास स्वॉर्ड है। क्या कॉन्ग अपने एक्स से शटर को मार पाएगा और किसका वेपन ज़्यादा शक्तिशाली है? इन सवाल का जवाब जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं कॉन्ग के बारे में। कॉन्ग हमें दो मूवी में दिख चुका है। जब कॉन्ग को स्कल आइलैंड मूवी में दिखाया गया था तब कॉन्ग 104 फीट बड़ा था। तब भी कॉन्ग ने कई मॉन्स्टर्स को मारा था। उसने दो स्कल कार को एक साथ मौत के घाट उतारा था। जाइंट ऑक्टोपस को पानी में ही मार दिया था। उसने पेस्टन पेकाट के आर्मी और कई हेलीकॉप्टर को कुचल दिया था और अल्फा स्कल कॉलर के जीप उखाड़ कर मार दिया था जो कॉन्ग जितना फास्ट और फुर्तीला था। वहीं जब कॉन्ग को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में दिखाया गया था तब कॉन्ग 355 फीट हो गया था। तब कॉन्ग ने उससे कई गुना बड़े दो वार बैट को मौत के घाट उतारा था। मॉन्स्टर वर्स के शक्तिशाली मॉन्स्टर गॉडजिला कड़ी टक्कर दी थी और गॉडजिला के साथ मिलकर मेका गॉडजिला को मारा था। कॉन्ग तो स्ट्रांग है ही, जो 250 फीट से स्कल कॉलर के मुंह पर चट्टान से मार सकता है, उसका जीप उखाड़ सकता है, साथ ही साथ फास्ट और फुर्तीला है जो बहुत ही फास्ट दौड़ सकता है, हेलीकॉप्टर को पकड़ सकता है और गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेस से बच सकता है। कॉन्ग एक इंटेलिजेंस काइजू में आता है जो इंसानों से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है, अपने आसपास की चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है और वह अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए ध्यान भी भटका सकता है। इसके अलावा कॉन्ग के पास खुद का एक्स है जिसकी मदद से वह अपने दुश्मन को घायल कर सकता है और इससे उसने गॉडजिला को घायल कर दिया था। जिस एक्स से कॉन्ग ने गॉडजिला कुछ समय के लिए डाउन कर दिया था, इस एक्स से कॉन्ग ने मेका गॉडजिला के पुर्जे अलग करके उसे मार दिया था। अगर बात करते हैं शटर की, तो शटर हमें दिखा था थोर रैग्नारोक मूवी में जो एक फायर डीमन है। शटर मस्फेलहेम रियल में रहता है जहाँ सभी फायर डीमन रहते हैं और इन्हीं फायर डीमन का राजा है शटर। अगर बात करते हैं शटर के पावर्स और एबिलिटीज की, तो शटर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, हीट विजन, साइज शिफ्टिंग और लिमिटलेस स्टेमिना। शटर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है और साथ ही साथ किसी प्रकार के फायर को कंट्रोल कर सकता है। शटर एक एक्सपर्ट वेपन मास्टर है और वह अपने फायर से अलग अलग प्रकार के वेपन बना सकता है। शटर अपने पावर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उस एब्जॉर्ब एनर्जी से एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। शटर एक इमोर्टल मॉन्स्टर है जिसे मारा नहीं जा सकता। मूवी में थोर ने उसके क्राउन को अलग कर हरा दिया था पर वह मरा नहीं था, जिसके क्राउन को इंटरनल फ्लेम में रखने के बाद फिर जा गया और 1000 फीट बड़ा हो गया। तब शटर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उस पर हेला द्वारा कई बार हमला करने पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वह हल को खिलौने की तरह फेंक देता है। इसके अलावा शटर के पास ट्विलाइट स्वॉर्ड है जिससे शटर फायर छोड़ सकता है और यह स्वॉर्ड बड़ा और छोटा हो सकता है। मूवी में यह स्वॉर्ड देखने को मिली जिसकी मदद से शटर ने पूरे एसगार्ड को तबाह कर दिया था। कॉन्ग और शटर दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के शक्तिशाली मॉन्स्टर में से एक है। कॉन्ग ने गॉडजिला और मेका गॉडजिला से फाइट की है, वहीं शटर ने थोर और हेला से फाइट की है। तो इन दोनों के फाइट में पहला सवाल यह है कि कॉन्ग का एक्स ज़्यादा शक्तिशाली है या शटर का स्वॉर्ड, क्योंकि इन दोनों के फाइट में ये वेपन ही असली रोल निभाने वाले हैं। तो कॉन्ग ने अपने एक्स से मेका गॉडजिला के पुर्जे तोड़े हैं और इस पर गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ लगने पर एक्स और भी शक्तिशाली हो जाता है। वहीं शटर अपने स्वॉर्ड से जितना चाहे उतना फायर छोड़ सकता है। यही नहीं, उसने इस स्वॉर्ड से पूरे एसगार्ड को तबाह कर दिया था जो कि एक एस्ट्रॉइड जितना बड़ा था। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग अपने एक से सिर्फ गॉडजिला को चोट पहुंचा पाया। तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि शटर का ट्विलाइट स्वॉर्ड कॉन्ग के एक से बहुत ही शक्तिशाली है। अगर वह इस स्वॉर्ड से पूरे एसगार्ड को तबाह कर सकता है तो कॉन्ग को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कि कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जो शटर के फायर और स्वॉर्ड के वार को झेल पाए, क्योंकि कॉन्ग को हेलीकॉप्टर रोटा से चोट पहुंच गया था, एटॉमिक ब्रेस से घायल हो गया था और बिल्डिंग में टकराने से उसका कंधा फ्रैक्चर हो गया था। अगर इनके हाइट का कंपेरिजन करते हैं
तो कॉन्ग 355 फीट बड़ा है और शटर 1000 फीट बड़ा है, यानी कि शटर कॉन्ग से 3 गुना बड़ा है। जिसके सामने कॉन्ग बोना है, जिसे शटर अपने पन से मारने का दम रखता है। दूसरा कॉन्ग जितना बड़ा है उतना बड़ा तो शटर का स्वाद है, जिससे वह अपने तलवार के वार से आसानी से मार सकता है। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर शटर होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक शटर वर्सेस गॉडजिला या शटर वर्सेस गॉडजिला अर्थ का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, मैंने आई बटन में डाल दिया है। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।